हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एल्केल एमाइन के बारे में। बहुत सारे लोग जो है एल्केल एमाइन में फंस चुके हैं, वो भी टॉप लेवल पे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है अभी करना क्या चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए जो है हम स्टॉक के ऊपर भी आएंगे, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक देखा जाए तो इस 40 से जो है 45% के आसपास जो है ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। अभी अपने को जो है ऐसे में करना क्या चाहिए, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, फंसा कौन है इस स्टॉक में जो है, जिन्होंने तेजी में बाइंग कर लिया, अभी उनसे बाइंग करने का रीज़न पूछोगे तो उनको पता ही नहीं। क्योंकि क्या है, उस समय जो है स्टॉक भाग रहा था, उन्होंने किसी के बताने पर जो है स्टॉक को बाइंग कर लिया है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए इनके सबसे पहले आप बिजनेस को जान लीजिए। जिस केमिकल सेक्टर में काम करते हैं ना, आपको बताना चाहते हैं कि इनके भी बहुत कम जो है कंपटीटर हैं। ये भी जो है कम से कम 30 से 40 जो है केमिकल प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जो कि एकदम नीच पे पूरा एकदम काम करते हैं। मतलब कि ऐसे केमिकल जो है कि सभी को जरूरत ही पड़ती है। इनके जो है कभी भी रेवेन्यू से जो है कि कमी नहीं रहने वाली। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता, देखिए जिनके पास भी है हाई लेवल पे, प्लीज़ उसको होल्ड कर ले। आप जो है कि ऐसा वैसा स्टॉक जो है कि बाइंग नहीं किया है, आप जो है एक स्ट्रांग स्टॉक जो है कि आपने पिक किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए ये जिस रफ्तार से भागता है ना, उसी रफ्तार से जो है गिरावट भी होती है। मतलब आपको बताना चाहते हैं, कल के दिन अपना 52 वीक का जो है कि लो लगा दिया। अब ऐसे में अपने को करना क्या चाहिए, चलिए हम उसके ऊपर आएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए जो है कि हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो है कि यहाँ पे आपसे बताना चाहते हैं, देखिए जो लोग नए हैं हाई लेवल में बाइंग कर लिए हैं, सबसे पहले आपको उनको बता देते हैं। देखिए जो है कि ये स्टॉक मार्केट में नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, मार्केट में कंपनी जो है बहुत साल पुरानी है। मतलब मिस्टर योगेश कोठारी के द्वारा जो है 1979 में जो है कंपनी स्थापित हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एल्फेटिक एमाइंस इन इंडिया। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे सेगमेंट में जो है कंपनी काम करती है। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है NH13 एमोनिया, फिर H2 जो है, उसके बाद हम आपसे देखिए जो है कितना जो है कि अपने को। चलिए दोस्तों, हम आ गए स्टॉक के ऊपर जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो है कि 14,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 2787 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, 2800 के आसपास जो है करंट प्राइस है। उसके बाद देखिए 4750 रुपये इनका जो है कि हाई था, जो कि 52 वीक का होता है। 52 वीक में जो है इन्होंने हाई तो लगाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए 2732 रुपये का, जो कि कल के ही दिन इन्होंने 52 वीक का लो भी लगा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए मतलब कि आपसे बताना चाहते हैं, देखिए ये किस टाइप की कंपनी है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। मतलब उसी हिसाब से तेजी आप देख सकते हैं यहाँ पे। बीच में कंपनी ने साल भर में ही 4700 मतलब 5000 को भी टच कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब 50-60% का रिटर्न भी दिया था, उसके बाद जो है रिटर्न देने के बाद ले भी लिया। आप यही देख सकते हैं, ऐसी कंपनी होती है, ऐसे स्टॉक मार्केट भी होता है। PE जो है इनका 63 का है, 194 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी कंपनी कुछ पे करती है, अपना फोकस नहीं होना चाहिए। ROE जो है इनका एक अच्छा है, मतलब 20 के ऊपर गुड है। उसके बाद 2 का फेस वैल्यू भी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जो है कि अच्छे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस समय जो है कि एक्सपेंसेज इतना ज़्यादा, मार्जिंस इनके, देखिए इन्फ्लेशन के कारण जो है और क्रूड ऑयल को लेकर बहुत सारी समस्याएँ, बहुत सारे केमिकल स्टॉक के जो है कि आपसे बताना चाहते हैं, केमिकल कंपनियां बहुत सारी मतलब कि रिजल्ट अच्छा पेश नहीं कर पा रही है। इसलिए हम आपसे बताना चाहते, देखिए ये थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए है परेशानी, जो कि अपने को फ्यूचर में सॉल्व होते हुए दिखेगा। चलिए दोस्तों, कंपनी के जो है पीएनएल को चेक करें, क्योंकि क्या है, तीन महीने में तो जो है इन्वेस्टर माफ़ कर देते हैं, लेकिन क्या है, कोई भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा डाउन रहे ना, तो वो जो है माफ़ नहीं करते हैं। ऐसे में चलिए जो है इनके मार्च 2011 से हम जो है कि दो पहले सेल्स चेक करते हैं। देखिए 236, फिर 288, फिर 366, फिर जो है कि 400, फिर 500, देखिए 450 के आसपास, फिर जो है कि 484, फिर 500, फिर 600, फिर 800, फिर 900, फिर 1200। इस बार के दोस्तों देखिए सेल्स भी इनके जो है कि ग्रोइंग मोड में है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए इनके जो है एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ गए। मतलब देखिए एक्सपेंसेस बढ़ गए, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा क्या है, डाउन हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि नेट प्रॉफिट भी आपसे बताना चाहते, देखिए नेट प्रॉफिट जो है इनके सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 10, 17, 24, 43, 45, 50, 50, फिर 64, फिर 84, फिर 215, फिर 295, फिर उसके बाद देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा सा कंपनी डाउन हो गई। देखिए दोस्तों, हर बार क्या है, कंपनी ने हर बार कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो है मैटर करता है कंसिस्टेंसी जो है कि रिजल्ट उन्होंने पेश किया है। एक क्वार्टर के रिजल्ट अगर खराब आ भी गए तो क्यों ऐसा उसमें पैनिक होकर आपको सेल करना।
अभी जिन्होंने हाई लेवल पे ख़रीदा है चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। जिनको अभी बाइंग करना है मेरे हिसाब से, अगर देखिए इस समय जो है मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक सा हुआ है, पैनिक मचा हुआ है, इसलिए आप चाहे तो 2500 के लेवल पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। हाँ, जिनको अगर अभी 2500 से 2400 की रेंज तक देख सकते हैं तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप करेंट प्राइस से आप चाहे तो एवरेजिंग करना चालू कर दें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है इनके पास रिजर्व जो है दोस्तों ग्रोइंग मोड में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमको कुछ लगा ना दोस्तों, देखिए इनकी मैनेजमेंट की खासियत आप देख सकते हैं। यहाँ 2018 में उनके पास कितना अपडेट था, 181 करोड़, उसके बाद 165, उसके बाद 87, फिर 48, फिर 23। हमको लगता है कि अगले साल जो है ना ये अपने आप को बिल्कुल डेट फ्री कर सकते हैं मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए। देखिए यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता दें, देखिए प्रमोटर ने अभी तक सेल नहीं किया स्टॉक को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत अगर किसी की है तो एफआईज ने भी स्टॉक को सेल नहीं किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, डीआईज ने माल को सेल कर दिया है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं, करते रहते हैं वो तो डीआईज या एफआईज। देखिए दूसरा सेलिंग करने वाला है कौन, पब्लिक तो जो है कि ओरिजिंग ही करती रहती किसी भी स्टॉक में जो है कि, यहाँ पे देखिए पब्लिक ने यहाँ भी जो है कि ओरिजिंग ही किया है, मतलब बाई ही किया है अभी तक जो है। हम आपसे बताना चाहते हैं अभी तक जिन्होंने मान लीजिए हाई लेवल बाइंग कर लिया, होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जिनको ओरिजिंग करना है, जैसा कि हमने आपको बता दिया 2400-2500 पे चाहे तो आप ओरिजिंग कर सकते हैं। चलिए जो है स्टॉक के चार्ट पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे स्टॉक के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखिए एल्केलामाइन केमिकल लिमिटेड के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आज के दिन जो है कंपनी जो है कि सारा जो है चार्ट जो है कि मतलब निफ्टी का जो चार्ट है वो हरे निशान में था, यहाँ पे जो है कंपनी लाल निशान में चल 1% के आसपास यहाँ पे आज भी गिरावट है। 5 दिन का देख लेते, देखिए 5 दिन में कंपनी 9-10% के आसपास जो है गिर चुकी है। 1 महीने में देख लेते, 1 महीने में 13-13% के आसपास गिरावट है। 6 महीने में जो है कि 12% गिर चुकी है। ईयर टिल डेट में दोस्तों, ईयर टिल डेट में जो है कंपनी 25-26% जो है अभी तक डाउन है। 1 साल में दोस्तों आपसे बताना, देखिए 1 साल में जो है कि 22-23% के आसपास गिरावट है, लेकिन ऑल टाइम हाई से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 40-45% के जो है आसपास आएगा, मतलब 40-45% के बीच में आएगा, मतलब 40% से ऊपर की जो है कि गिरावट है। 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो कहानी अलग है, मतलब 5 साल में देखिए कंपनी ने जिसने भी कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया है ना, वो जो है कि आज मलाई मार रहा है। मतलब देखिए 1600% का रिटर्न आप देख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाएंगे। देखिए दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जो है कि 13000% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न दे दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना है, देखिए जिन्होंने हाई लेवल पे खरीद लिया है उनसे यही कहना चाहते हैं कि होल्ड कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। जिनको अभी बाइंग करना है 2400 तक आप देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से चाहे तो आप अभी बाइंग करना चालू कर दें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, अगर आपसे थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर तो आप थोड़ा सा देखिए 100-200 मत देखिए। मेरे हिसाब से आपको अच्छा स्टॉक मिल रहा है। इस समय क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, किसी भी तरफ किसी भी वे में जा सकता है। मतलब आपसे बताना चाहते, देखिए 2500 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है। देखिए जो कंपनी जो है 5 साल में 1600% का रिटर्न बना के दे सकती है, तो जो है कि 100-200% मतलब आपसे बताना चाहते थोड़ा सा डाउन हो सकती है। इसलिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि अभी तक जिन्होंने बाइंग नहीं किया चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। ओरिजिंग जिनको करना है हाई लेवल से 2500 के लेवल से आप चाहे तो ओरिजिंग कर सकते हैं। जिन्होंने हाई लेवल पे खरीदा है अभी उनके पास पैसा नहीं, तो प्लीज़ इसको आप होल्ड कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।